और ये देखिए, ये है एक एगलेस कैरेट केक, मतलब गाजर का केक, जिसे हमने बनाया है कुकर में। तो ऐसा नहीं कि केवल वनीला या चॉकलेट केक ही कुकर में अच्छे बनेंगे, कैरेट केक भी उतना ही अच्छा बेक हो जाता है। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो इस लाजवाब सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट कैरेट केक को बनाने के लिए हमने कुकर में एक स्टैंड लगा दिया है, ढक्कन को बंद कर दिया है, विसल को निकाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पे, ताकि हमारा कुकर प्री हीट हो जाए। अब केक बनाने वाले टिन में अच्छे से ऑयल लगा देंगे, ताकि केक आसानी से बाहर निकल के आ जाए। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश, अखरोट, काजू और बादाम। किशमिश को छोड़ के हमने इन सभी ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट लिया है और अब हम इनके ऊपर लगा रहे हैं थोड़ा सा सूखा मैदा। ऐसा करने से जब हम इन ड्राई फ्रूट्स को केक के बैटर में डालते हैं और जब केक बेक होता है, तो ड्राई फ्रूट्स नीचे नहीं बैठते हैं, वो केक के बीच में ही रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स सूखे मैदे से अच्छे से कोट हो गए हैं, तो अब हम इनको साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़ा सा बोल, इसमें हम डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। ये नॉर्मल चीनी है, जिसे हमने घर में ही मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर इसमें आधा कप ही डलेगा। और अगर ग्राम्स में नापेंगे तो जो 100 ग्राम की बटर की टिक्की आती है, वो पूरी की पूरी डल जाएगी। आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कैसा भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिरका, मतलब वाइट विनेगर। इसकी जगह आप 1 टीस्पून नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एगलेस केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए सिरका या नींबू का रस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको स्किप मत करिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस और सभी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने बोल के ऊपर ही एक छलनी लगा दी है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 कप मैदा। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छलनी से छान लेंगे। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो छन्नी में ऊपर ही रह जाती हैं, दूसरा ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एरेट हो जाते हैं, इनके बीच में हवा आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा केक सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप दूध। फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड का। स्पैचुला को गोल घुमाएंगे और बीच में से फिर कट करेंगे, गोल घुमाएंगे और कट करेंगे। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिनको हमने मैदे से अच्छे से कोट कर लिया था। अभी बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध और डाल देंगे। दूध हमें बैटर में इतना डालना है कि हमारा बैटर थक्के जैसा नहीं गिरना चाहिए, वो एक रिबन की तरह गिरना चाहिए। और क्योंकि ये एक कैरेट केक है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप घिसी हुई गाजर। गाजर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इस बैटर को अपने पहले से ही ग्रीस करे हुए केक टिन में डाल देंगे। बैटर रेडी है, तो चलिए ले चलते हैं इसको प्री हीटेड कुकर में। इसको इस समय बहुत ही सावधानी से रखिएगा, क्योंकि कुकर एकदम गर्म होगा, बहुत ही ध्यान से रखिएगा, जला मत लीजिएगा अपने आप को। और अब हम कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और इसको मीडियम फ्लेम पे ही 30 मिनट के लिए पकने देंगे। जब 30 मिनट बाद हमने चेक किया तो केक ने साइड्स को नहीं छोड़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं बना है। तो एक बार इसमें टूथपिक डालकर भी चेक कर लेते हैं। जब हमने इसमें टूथपिक डाला तो इसमें काफ़ी सारा बैटर लगा हुआ आया, तो अब हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को पूरे टाइम मीडियम पे ही रखिएगा, पेशेंस मत खोइएगा। फ्लेम को अगर आप बढ़ा करके हाई पे कर देंगे तो केक नीचे से और साइड से जल सकता है। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट बाद फिर से चेक किया तो केक ऑलमोस्ट डन लग रहा है, इसने साइड्स भी छोड़ दी हैं। तो अब हम इसमें टूथपिक डाल करके भी देख लेते हैं।
यहाँ पे टूथपिक बिल्कुल परफेक्टली क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक बेक होकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको कुकर में से निकाल लेंगे। तो जनरली केक्स को हल्का ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड किया जाता है, मगर जब केक इतना बढ़िया फूल करके आता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है तो मेरे ख्याल से तो किसी में भी पेशेंस नहीं होता है। तो चाकू को चारों तरफ केक के फिरा देंगे ताकि ये साइड्स को छोड़ दे। और यहाँ पे हमने प्लेट को लगा करके केक को डीमोल्ड भी कर दिया है। तो अब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ। इस केक को काटने के स्टाइल से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और ये लीजिए, फ्रेशली बेक्ड कैरेट केक बन करके तैयार है। तो आप जब भी मन करे और जिस भी फ्लेवर का केक खाने का मन करे, घर पे ही बना करके खाएं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड Enjoy!